हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम 9th क्लास मैथ्स थ्योरम 7.6 को। तो उसमें स्टेटमेंट है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। तो इसमें कहा है कि अगर आपकी ट्राइंगल्स में टू साइड्स जो है आर अनइक्वल, जैसे कि हमने ये ट्रायंगल्स बना लिया, इसमें देख रहा होगा कि ये साइड्स बड़ी है एक छोटी है, तो यहाँ पे टू साइड्स को हमने अनइक्वल ले लिया है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो लार्जर साइड है, ठीक है ना, जो लॉन्गर साइड है आपकी, ये जो लॉन्गर साइड है इसके सामने का जो आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो आपकी जो शॉर्टर साइड है उसके सामने के एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब लॉन्गर साइड्स का एंगल जो है बड़ा या ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये जो है आपकी ए बी सी हो जाएगी, ये आपका जो होगा यहाँ पे ए बी ये सी, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ए सी इज ग्रेटर देन, हम ले लेंगे ए बी, क्योंकि उसने कहा टू साइड्स आर अनइक्वल। तो सबसे पहले गिवन में क्या होगा, ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी है इन विच ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी जो है ग्रेटर देन है ए बी के, ठीक है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है अब ए सी के जो सामने का जो एंगल होगा, मतलब एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल क्या, ए सी बी, एंगल ए सी बी मीन्स आपको जो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी जो है शो करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं, हम ए सी पर एक पॉइंट डी ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी हो गया, एक पॉइंट डी ले लेते हैं, और वो डी पॉइंट इस प्रकार से लेते हैं कि जिससे आपका ए बी जो है AD के इक्वल हो जाए, ठीक है। टेक अ पॉइंट D ऑन AC सच दैट AB इक्वल्स टू AD और आफ्टर दैट BD जॉइन द BD। क्लियर है, अब इसको जो है B से D को मिला देते हैं हम, ये हो गया। तो कंस्ट्रक्शन को एक बार लिख लेते हैं हम, जो है वी टेक अ पॉइंट D on AC such that AB equals to AD, AB equals to AD, क्लियर हो गई इतनी बात। Join the DB, प्रूफ, प्रूफ में देखिए अब क्या करते हैं, हम ट्राइंगल एबीसी को ही ले लेते हैं, ट्राइंगल एबीडी को ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, ए बी इक्वल्स टू जो है एडी, ट्राइंगल एबीडी में ले लेते हैं अब हम, इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है। अब एबीडी में क्या है, ए बी इक्वल्स टू है किसके, एडी के, ए बी इक्वल्स टू है एडी के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब ए बी आपका ए डी के इक्वल है, ये दोनों साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं, तो ये कोण जो होगा, ये जो एंगल होगा आपका, वो इस एंगल के इक्वल होगा आपका, क्योंकि एंगल अपोजिट द इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए डी बी, ए बी के सामने का एंगल, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए बी डी के। फिर आप लिख सकते हो वही रीजन जो है कि एंगल अपोजिट टू
इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये देखिए, देखिए ये दोनों एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया, अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, देखिए क्या ये वाला एंगल जो है ये इस वाले ट्रायंगल्स के लिए BCD के लिए एक्सटीरियर एंगल है। एक बार आप एक्सटीरियर एंगल समझ लीजिए। देखिए जैसे आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दो इंटीरियर एंगल्स के क्या होते हैं, सामने वाले के, इनके सम के इक्वल होता है। सपोज करिए ये एंगल जो है आपका जो है ये 8 है और ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल 8 जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3, मीन्स एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 8 जो है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको जो है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर उसके बाद हम इसी प्रकार, अब आप ये देखिए कि ये जो एंगल ADB है, ये वाला जो एंगल है ADB वो क्या होगा, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे सम नहीं करना है, हमें ये बताना है अब, क्योंकि हमें तो जो है ग्रेटर देन वाली बात है यहाँ पे कि भाई AC इज ग्रेटर, मतलब ये वाला एंगल ग्रेटर देन लेकर आना है हमें कैसे भी करके जो है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एंगल जो है, जब ये इन दोनों के सम के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा, एक बात इस वाले से भी बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लाना है किससे, इस वाले से लेकर आते हैं हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंगल पहले बता देंगे कि एंगल ADB इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल BCD कि जो एंगल ADB है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल BCD का। अब हम कह सकते हैं कि एंगल, सो एंगल ADB जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल AC मतलब DCB कह दो, मतलब BCD कह दो या फिर ACB कह दो, बात एक ही है। इसको हम DCB एंगल DCB और कह सकते हैं एंगल ACB, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन में आप ये कह दीजिए एंगल ADB ग्रेटर देन है एंगल ACB, ठीक है, क्योंकि एंगल ने ACB इसलिए करा है क्योंकि आगे ACB की ही जरूरत है, ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से कर दिया। अब आप ये देखिए, ये हुआ था आपका कि एंगल ADB जो था, एंगल ADB बराबर था आपका किसके, एंगल ABD के, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 कह दीजिए, 1 and 2। अब 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ADB तो ABD के बराबर है ना, तो हम यहाँ ADB की जगह क्या लिख सकते हैं, ABD भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ADB की जगह ABD हो गया, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ACB से। क्या हुआ, ABD ये वाला एंगल जो हो गया अब किसके किससे ग्रेटर देन हो गया, एंगल ACB से। हम काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें इस पूरे एंगल जो है, हमें ये पूरा एंगल जो है वो किससे, इस वाले से ग्रेटर देन लाना है, मतलब एंगल ABC को ग्रेटर देन लाना है। अभी हम कहाँ तक पहुँचे, एंगल ABD तक पहुँचे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, इधर देखिए ये जो एंगल है, ये जो पूरे वाला एंगल, पूरा एंगल है, होल एंगल जो है पूरा का पूरा जो है, ठीक है, ये क्या, ये जो ये एंगल बड़ा होगा किससे, इस वाले से। भाई दिख भी रहा है कि ये वाला पूरा बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, इतना आधे मतलब जो भी है, मतलब ये तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। आप क्या कह सकते हो इसको कि एंगल ABC जो है, ABC पूरा बड़े वाला एंगल,
ये क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा ये बड़ा होगा किससे, एंगल ए बी डी से, एंगल ए बी डी। आप लिख सकते हो होल एंगल जो है इज ग्रेटर देन द ए पार्ट, इज ग्रेटर देन ए पार्ट ऑफ एंगल, मतलब किस एंगल्स के एक पार्ट के इक्वल होगा, मतलब से ग्रेटर देन होगा पार्ट ऑफ एंगल, इतना कह सकते हो आप। तो आपको यहां से देखिए कि ए बी डी जो है ए बी डी ग्रेटर देन है ए सी बी से, ए बी डी ए सी बी से ग्रेटर देन है, और ये ए बी सी जो है अब ये ए बी डी से ग्रेटर देन है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि ए बी सी जो है वो किससे, ए सी बी से भी ग्रेटर देन होगा। तो यहां पे इसको 3 कह दीजिए और इसको 4 कह दीजिए, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो इसको कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। देखिए आपको समझ में आया नहीं है, आप इसको एक बार एक इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए एंगल ए बी डी ए सी बी, ए सी बी ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे ए बी डी ए बी सी, मतलब यहाँ पे इसको एंगल ए बी डी को हम एक ले लेते हैं, एंगल एक ठीक है, समझाने की वजह से ये एंगल एक हो गया, ये ग्रेटर देन है एंगल, इसको ले लेते हैं ए सी बी को 2 ठीक है। अब ये ए बी सी है, ये वाला क्या है ए बी सी, ए बी सी क्या है एक अलग एंगल है, तो इसको एंगल 3 ले लेते हैं, एंगल 3 हो गया। ये क्या है, ये ग्रेटर देन है किससे, एंगल मतलब ए बी डी से, ए बी डी कहाँ पे था एंगल एक को, तो ए बी डी कहा था हमने, तो ये एंगल एक से क्या है ग्रेटर देन है। अब यहाँ से देखिए जो एंगल एक है वो क्या है 2 से क्या है बड़ा है, एक 2 से बड़ा है ठीक है, और ये जो 3 है ये 1 से भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 3 जो होगा 2 से भी बड़ा होगा। अब आ गई ना समझ में, एंगल 1 जो है वो 2 से बड़ा है और जो आपका 3 है वो 1 से भी बड़ा है ठीक है, तो हम इन दोनों के दोनों से क्या बात कह सकते हैं कि जो 3 होगा वो 2 से भी बड़ा होगा। अब आप यहाँ लिखिए 3 जो है 2 से भी बड़ा है, अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 हमने किसको लिया था ए बी सी को तो लिया था, तो 3 का मतलब क्या होगा ए बी सी, और 2 किसको लिया था, 2 जो लिया था ए सी बी को लिया था हमने ठीक है, तो 2 क्या है ए सी बी। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि इसको हमने किस तरीके से लिखा है, तो इस तरह से आपका जो है एंगल ए बी सी जो है आपका वो ग्रेटर देन हो गया एंगल ए सी बी से, मतलब ए बी सी ये कम, ये बड़े वाला एंगल जो है ए बी सी जो है ठीक है वो ग्रेटर देन है किससे, ए सी बी से, इस वाले से, मतलब बड़ी जो बड़ी वाली साइड है उसके जो सामने का जो एंगल है वो जो छोटी वाली साइड है उसके सामने वाले एंगल से क्या है बड़ा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।